जब ये महान संगीतकार जोड़ी फिल्म इंडस्ट्री में आए, इसने फिल्म संगीत की परिभाषा बदल दी। नाम शंकर जयकिशन, का पूरा नाम रहा शंकर सिंह रघुवंशी। जन्म 15 अक्टूबर सन 1922 हैदराबाद में हुआ। जयकिशन जी का नाम रहा जयकिशन दया भाई पांचाल। जन्म 4 नवंबर सन 1929 वंसडा गुजरात में हुआ। शंकर जी तबला बजाया करते थे और इन्होंने विधिवत शिक्षा ली बाबा नासिर खान साहब से, और साथ ही ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब के भी ये चेले रहे। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। शंकर जी की शुरुआत एक थिएटर ग्रुप से हुई थी जो कि सत्यनारायण और हेमवती जी चलाया करते थे, और उसके बाद शंकर पृथ्वी थिएटर का हिस्सा बन गए। वहीं दूसरी ओर बंसाड़ा गुजरात के जयकिशन हारमोनियम प्लेयर थे। इन्होंने प्रशिक्षण लिया संगीत विशारद वादी लाल जी से और बाद में प्रेम शंकर नायक जी से, और फिर ये विनायक तांबे के चेले बने और मुंबई चले आए। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए। शंकर जयकिशन की मुलाकात किस तरह से हुई ये किस्सा भी बड़ा अनोखा है। एक गुजराती डायरेक्टर थे चंद्रवदन भट्ट साहब, जिनके ऑफिस में अक्सर शंकर जी जाया करते थे। चाहते थे कि बतौर म्यूजिक डायरेक्टर इन्हें ब्रेक मिले। उसी दफ्तर में वो देखते कि एक और नौजवान बैठा रहता है जो कि जयकिशन साहब थे, और एक दिन शंकर जी ने बातचीत शुरू की और पता चला कि जयकिशन हारमोनियम बजाते हैं। बस उसके बाद शंकर जी जयकिशन साहब को ले गए पृथ्वीराज कपूर साहब के पास, और पृथ्वी थिएटर का हिस्सा जयकिशन को भी बना लिया। इन दोनों की दोस्ती इतनी बढ़ी कि लोग इन्हें राम लक्ष्मण की जोड़ी कहके पुकारा करते थे। शंकर जयकिशन पृथ्वी थिएटर में बतौर म्यूजिशियंस काम किया करते थे, और उसी दौरान इनकी दोस्ती हुई राज कपूर साहब के साथ। हालांकि राज कपूर साहब ने जब अपनी पहली फिल्म बनाई आग, जो कि सन 1948 में आई थी, उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे राम गांगुली, और शंकर जयकिशन बतौर असिस्टेंट काम करते थे। राम गांगुली साहब के साथ राज कपूर साहब के कुछ मुख्तलाफात हुए, और उसके बाद जो अगली फिल्म बनाई जिसका नाम था बरसात, उसमें शंकर जयकिशन की जोड़ी को बतौर म्यूजिक डायरेक्टर ब्रेक दिया गया। और फिर तो संगीत की ऐसी बरसात हुई कि फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े दिग्गज ये सोचने लगे कि शंकर जयकिशन के अंदाज के सामने क्या नया किया जाए। राज कपूर साहब की टीम में लता मंगेशकर, मुकेश जी और मन्ना डे साहब तो आए, पर साथ ही दो बड़े जबरदस्त गीतकार भी पहुंचे। शंकर जयकिशन के साथ काम करने के लिए आए शैलेंद्र साहब और हसरत जयपुरी साहब। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त बिदाए, उठा धीरे धीरे, उठा तो प्यारा प्यारा। शुरुआती दौर में राज कपूर साहब के साथ इन्होंने काफी काम किया, और फिर देवानंद, शम्मी कपूर, सुनील दत्त, हर बड़े हीरो के साथ शंकर जयकिशन का संगीत जुड़ गया। सड़क में लगता है मेरा दिल तेरे नाम से। उस वक्त ये अटकलें लगाई जाती थीं कि शायद जयकिशन हसरत जयपुरी के साथ ज्यादा काम करते हैं और शंकर शैलेंद्र के साथ, पर उसके बाद ये वाक्य भी सामने आए जब जयकिशन साहब ने शैलेंद्र साहब के साथ काम किया और शंकर जी ने हसरत जयपुरी के साथ। शंकर जयकिशन ने हर तरह का संगीत दिया, चाहे वो फोक म्यूजिक था या फिर मॉडर्न। शंकर जयकिशन की जोड़ी इतनी मशहूर हुई कि जब कल्याण जी आनंद जी ने संगीत देना शुरू किया, तब सभी ने ये सुझाव दिया था कि इस जोड़ी का नाम कल्याण जी आनंद जी ही रहना चाहिए, क्योंकि पहले ये कल्याण जी वीर जी शाह एंड पार्टी के नाम से काम किया करते थे। शंकर जयकिशन से महान संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी खासी मुतासिर थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने खुद कई बार ये बात बोली कि वो शंकर जयकिशन के स्टाइल से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और किसी हद तक उनका असर उनके गानों में भी नजर आता है। मैं तेरे इश्क में मरना चाहूं कहीं,
एक किस्सा यह भी मशहूर है कि विदेश में एक डांस शो देख रहे थे जयकिशन साहब और गीतकार हसरत जयपुरी। वहां पे एक महिला नजर आई जिसने बड़ा महीन कपड़ा पहना हुआ था और उस कपड़े पे कुछ चमकीली चीजें लगा रखी थी। इसे देख जयकिशन साहब ने हसरत जयपुरी को बोला था, इस पे कुछ लिख सकते हो तो बताओ, और तब बोल आए कि बदन पे सितारे लपेटे हुए, और तुरंत जयकिशन साहब ने धुन भी बना दी। ये बात भी कई बार सामने आई कि शंकर जी अपने अंदाज में काम किया करते थे और जयकिशन साहब अपने, और ये दोनों अलग अलग गाने बनाया करते थे, पर जब इनके असिस्टेंट दत्ताराम और सेबेस्टियन जी साथ आते तो गानों में एक अलग असर पैदा हो जाता, और ये बताना बड़ा कठिन रहता कि ये गाना शंकर जी ने बनाया है या फिर जयकिशन साहब ने। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। एक वक्त वो भी आया जब इन दोनों की दोस्ती में जरा सी दरार की बातें सामने आईं। ये वो वक्त था जब शंकर जी एक नई गायिका शारदा जी को काफी प्रोत्साहित किया करते थे, पर इन दोनों ने हमेशा शंकर जयकिशन के नाम से ही काम किया। उस दौर के बहुत से लोगों ने यह नजारा देखा है, शंकर जयकिशन के संगीत के लिए बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स की लाइन लगा करती थी, और बहुत जल्द इन दोनों ने वो मकाम हासिल कर लिया जो कोई और संगीतकार नहीं हासिल कर पा रहा था। शंकर जयकिशन सबसे ज्यादा फीस लेने वाले म्यूजिक डायरेक्टर्स बने। जहां एक तरफ लता जी और रफी साहब की आवाजों को इस्तेमाल किया, तो दूसरी ओर मुकेश जी और मन्ना डे साहब की आवाजों का भी खूब जादू चढ़ा, और कुछ बेहतरीन गाने आशा भोसले जी ने भी गाए इनके लिए। मन भावन के घर जाए बूढ़ी, मन के घर आए बूढ़ी, बंधी रहे ये प्यार की डोरी, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। ये पहली ऐसी म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी बनी जिन्होंने फिल्मफेयर अवार्ड्स में हैट्रिक लगाई थी बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के अवार्ड के लिए। जहाँ एक तरफ इस जोड़ी ने बड़ी मकबूलियत देखी, तो दूसरी तरफ ट्रेजेडीज ने भी इन्हें घेरा। राज कपूर साहब की चौकड़ी टूट गई जब वो फिल्म मेरा नाम जोकर बना रहे थे। गीतकार शैलेंद्र फिल्म के निर्माण के बीच ही गुजर गए, और मेरा नाम जोकर के बनते बनते शंकर जयकिशन के जयकिशन भी ये दुनिया छोड़ चले गए। तारीख 12 सितंबर सन 1971, मात्र 41 साल की उम्र में इन्होंने साथ छोड़ दिया। इंसान और मुकद्दर को बनते देर लगती, बिगड़ते देर नहीं लगा करती। मेरा नाम जोकर भी उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी थी, और राज कपूर साहब ने फिर फिल्म बॉबी शुरू की, जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बतौर संगीतकार और आनंद बख्शी बतौर गीतकार लिए गए। शंकर साहब फिर भी फिल्मों में काम करते रहे, पर अपने दोस्त को ये कभी नहीं भूले और हमेशा शंकर जयकिशन के नाम से ही संगीत दिया। पर मेरा नाम जोकर के बाद राज कपूर साहब की फिल्मों से इनका नाम नहीं जुड़ा। ये वो वक्त भी था जब इनके गहरे दोस्त शमी कपूर भी फिल्मों से जरा दूर जा रहे थे। कुछ वक्त के लिए खला जरूर रही, पर शंकर जी फिल्मों में संगीत देते रहे। ये बात भी मशहूर रही कि जयकिशन साहब जिस रेस्टोरेंट में अक्सर बैठा करते थे, उनके गुजर जाने के बाद एक महीने तक उनकी टेबल पे किसी और को नहीं बैठने दिया गया था। उस टेबल पे एक मोमबत्ती जलाई जाती थी और नीचे लिखा रहता था, रिजर्व्ड फॉर मिस्टर जयकिशन। और फिर वो वक्त आया जब शंकर साहब भी ये दुनिया छोड़ चल बसे। तारीख 26 अप्रैल सन 1987। यकीनन जो मकाम शंकर जयकिशन ने हासिल किया, उसे पाना नामुमकिन है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में शंकर जयकिशन का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। इस रंग बदलते दुनिया में इंसान की नियत ठीक नहीं, निकला ना करो तुम सज धज कर, ईमान की नियत ठीक नहीं। महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्तानें जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।